हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी में कल सुनवाई हुई। कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जबरदस्त सुनवाई हुई है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजों में जो है क्लैरिटी अभी भी नहीं मिल पाई है। हाँ, जो सुनवाई हुई उसके बारे में हमने आपको अपडेट दिया था, बताया था कि क्या क्या चीजें हुई हैं, आगे क्या होगी उस पर भी बात करेंगे, और नेक्स्ट डेट इसका जो मिला है उस पर क्या क्या हो सकता है, क्या उस दिन फाइनल जो है डिसीजन आ सकता है, इन सभी चीजों पर बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो है दी जाती है, जो भी चीजें जो है होती है। सबसे पहली चीज बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के मैं बताऊं, कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें एक बार को ऐसा सोचा गया कि जो बीएड कैंडिडेट्स है और जो अपॉइंट हो चुके हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है। अभी तक ये क्वेश्चन जो नहीं उठाया गया था, अब इस पे जो है एक तरह से बोल सकते हो विचार किया जा रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब 11 अगस्त 2023 के बाद ये फैसला आया कि 1-5 से बीएड को बाहर किया गया है, तब से जो है बहुत सारी चीजें बोल सकते हो कि आधे में जो है रुकने लगी, जिसमें कि बहुत सारी जगहों पे वैकेंसीज थी, एमपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, हर जगह हैम्पर जो है वो होना स्टार्ट हो गया। लेकिन बात ये आ गई कि जो बच्चे जो है बीएड ऑलरेडी कर चुके हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं कहीं पर, उनके लिए क्या करना होगा, उनके लिए क्या होगा। तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट के जो स्पेशल बेंच है, जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी, वो अब इस बात पर सोचने के लिए तैयार हुए हैं और सोच रहे हैं। कल के जो आर्गुमेंट्स हुई है, कल की जो सुनवाई हुई है, उसमें यही सारी चीजें क्लियर हुई है। चलिए एक एक करके हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नेक्स्ट डेट जो है 1 अप्रैल को मिला है। आप लोगों को पता ही होगा 1 अप्रैल 2024 को जो है इस मामले की फिर से सुनवाई होगी, और उस दिन बहस जो है वो लंबी चलने वाली है, क्योंकि फाइनल डिसीजन उस दिन दे दिया जाएगा। इसके पीछे भी दो रीजन है। पहला तो ये है कि ये मामला ऑलरेडी बीएड वर्सेस बीटीसी का 11 अगस्त 2023 को फैसला आया और ये 2024 आ चुका है और ये खींच रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जगहों पर जो है बीएड कैंडिडेट जो जॉब कर रहे हैं वो भी खतरे में है। डीएलएड वाले बच्चे जो बाहर बैठे हैं अपनी नौकरी का वेट कर रहे हैं, उनका भी इंतजार है। इसलिए इसको ज्यादा अब खींचा नहीं जाएगा, 1 अप्रैल को फैसला आने की पूरी तरीके से संभावना है। दूसरा रीजन यह है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी जो है वो अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये केस जो है वो कंक्लूड करते हुए जाएंगे, पूरी तरीके से इसमें डिसीजन लेते हुए जाएंगे। इसलिए ये फैसला जो है 1 अप्रैल को सुना जाएगा, ऐसा है। अभी देखो, कल जो बहस हुई है उसमें जो 3-4 पॉइंट्स पर बातें हुई, जिसपे क्वेश्चन किया गया है, वो चीजें हम आपको बता देते हैं। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीएड के लिए बहुत अच्छी सुनवाई हो गई है, डीएलएड के लिए बहुत अच्छी सुनवाई हो गई है। एक्चुअली में मैं बोलूंगी 50-50 ही था। अभी तक जहां पे जितनी सुनवाई हो रही थी उसमें बीएड थोड़ा सा नीचे चला जाता, अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पा रहा था कि एक्चुअली में उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। डेफिनेटली 11 अगस्त 2023 के फैसले को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि 1-5 में बीएड जो है बीएड स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, ये माना गया है। लेकिन अब जो मामला चल रहा है वो सारा मामला रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव का है, कि ये जो फैसला है आपको रेट्रो में डालना है या प्रोस में डालना है, इस पर लड़ाई चल रही है। तो जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं उन लोगों के लिए क्या डिसीजन होगा, इस पर जो है ये लड़ाई है। तो अभी ये मामला थोड़ा अलग हो चुका है। इसमें जो है सबसे पहला चीज ये बोला गया ब्रिज कोर्स को लेकर के, कि अगर वहां पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है, या और ये सारी क्लैरिटी जो है आपको 1 अप्रैल को मिल जाएगी कि ब्रिज कोर्स अगर अवेलेबल है, ठीक है। वैसे मीनाक्षी मैम ने तो बोल दिया था कि भाई ब्रिज कोर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एनसीटी से जब आरटीआई करके क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने तो डायरेक्टली बोला है कि अब भी जो है इन प्रेजेंट देयर इज नो इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि ब्रिज कोर्स करवाता है। तो ब्रिज कोर्स के तो एग्जिस्टेंस पे जो है क्वेश्चन मार्क एनसीटी ने उठाया है। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन, ये बोला गया जस्टिस ने कि अगर ब्रिज कोर्स अवेलेबल है तो जो कैंडिडेट बीएड कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं
उनको ये ब्रिज कोर्स करवा करके ट्रेन किया जाए ताकि वो जो है डीएलएड क्वालिफिकेशन के इक्वल हो सके 1-5 में पढ़ाने के लिए। अभी तक एक चीज बोली जा रही थी कि बीएड ओवर क्वालिफाइड है इस 1-5 के लिए, लेकिन कल के सुनवाई में ये क्लियर हुआ कि बीएड एक्चुअली में 1-5 के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, तो वो क्वालिफिकेशन उसको दिलाना पड़ेगा जो लोग ज्वाइन किए हैं। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन था जिसमें बोला गया कि अगर ब्रिज कोर्स नहीं अवेलेबल है तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी ज्वाइंट है उन लोगों के लिए जो है डीएलएड ओपन से करवाया जाए, तो देखो दोनों कंडीशंस में तो यही चीजें चल रही है कि बीएड वाले बच्चों को जो है वो हटाना नहीं है और उसको रखना है। बट ये बातें मैं आपको बता दूं कि ये आर्गुमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है कि कल की सुनवाई में बीएड के पक्ष को सुना गया, रखा गया और इस पर विचार किया गया, ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन फाइनल सुनवाई 1 अप्रैल को होगी और उस दिन हर तरह के पॉइंट्स को रखा जाएगा। और जहां तक डीएलएड के एडवोकेट है उनका भी ये कहना है कि जो नंबर्स, हाँ तीसरा क्वेश्चन जो था ये तो आप लोगों का डीएलएड को लेकर के, डीएलएड कोर्स को भी लेकर के बात हो गई। तीसरा था नंबर्स को लेकर कि ये जो बार बार उठाया जा रहा है क्वेश्चन कि डीएलएड जो कैंडिडेट है वो नंबर्स में कम है जितने की वैकेंसीज 1-5 में है, इसीलिए बीएड को शामिल किया गया था, इस पर भी जो है डेटा मांगा गया है, तो ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी। तो अब 1 अप्रैल का दिन बीएड कैंडिडेट्स के लिए और डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक तरह से इसमें जो है फाइनल सुनवाई समझो कि होगी और हर चीज को क्लैरिटी मिल जाएगी, खास करके प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव को लेकर के कि जो फैसला है वो आपका 2018 से लागू किया जाएगा या 25 नवंबर 2021 से लागू किया जाएगा जो राजस्थान का फैसला आया था, या 11 अगस्त 2023 से लागू किया जाएगा जो प्रोस्पेक्टिव होगा। तो अब ये देखने वाली बात है, अपॉइंटमेंट पे सिलेक्शन पर भी बातें होंगी, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बीएड वर्सेस बीटीसी में कल के सुनवाई में यही सारी चीजें हुई हैं, बस वेट कीजिए 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल को जब इसकी सुनवाई होगी इसमें किन किन चीजों पर बात होगी और किस तरह से पूरी क्लैरिटी मिलेगी ये भी हम देखेंगे, और जो भी लाइव अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर।